तत्वज्ञान एक अनूठी जीवन कला। सर्व विद्याओं में अध्यात्म विद्या का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त अन्य किसी भी लोक विद्या के पास आत्मा के स्थायी सुख की गारंटी नहीं है। लोक विद्या से प्राप्त समस्त सन्निधियां आत्मा की परिधि से बाहर होने से आत्मा को उनका उपभोग होता ही नहीं है, अतः उनके पास आत्म शांति का कोई विधान नहीं है। आत्म शांति अध्यात्म विद्या का सर्वाधिकार सुरक्षित अधिकार है और उस अध्यात्म विद्या की साधना का प्रारंभ तत्वज्ञान से होता है। तत्वज्ञान सर्व समस्याओं के समाधान की एक अद्भुत जीवन कला है। वही जीवन का सर्वप्रथम कर्म और सर्वप्रथम धर्म है। उसके बिना जीवन असीम वैभव के बीच भी दरिद्री और अशांत है, और उसके प्रादुर्भाव में सर्व जागतिक वैभव के बिना भी वह अकेला ही परमेश्वर है। तत्वज्ञान वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति है। वह लोक कथित वस्तु विधानों का विश्वासी नहीं है। पदार्थों में पारस्परिक संबंधों की लोक रूढ़ कहानी तत्वज्ञान को सम्मत नहीं है। वह उस लोक वार्ता को असत्य घोषित करता है जहां दो पदार्थों में किंचित भी संबंध घटित किया गया हो। वस्तु के साथ संयुक्त से दिखाई देने वाले दीर्घकाय संयोगों तक सीमित न रहकर वह वस्तु की थाह लेता है। उसका अनुसंधान अति सूक्ष्म एवं गंभीर है। वह ऐसा गोताखोर है जो सागर के घनत्वों को तब तक वेधता जाता है जब तक उसे सीपी के संपुट में मोती उपलब्ध नहीं होता। तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए है। वस्तुतः वह आत्मा की ही परिशुद्ध बोधावस्था है। वह आत्मा के अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता है। वह कहता है कि आत्मा सदा ही अविनाशी, अनंत शक्ति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग अनंत शक्ति का पुंज एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है। अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है, वरन अनादि से ही वह देह और देह के परिकर अगणित जड़ स्कंधों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा है। वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है तो वह अपराधिनी सिद्ध होती है, क्योंकि कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व को यह बहुत बड़ी चुनौती है। कुदरत की सत्ताओं को अपने तंत्र में लेकर निगलने का यह सर्व महान अपराध है, अतः दंडनीय है। किंतु अपने इस प्रयास में आत्मा कभी भी कृतकार्य नहीं होता, क्योंकि परसत्ताओं में उसके हस्तक्षेप की चरितार्थता कभी भी संभव नहीं है, अतः विवशता की कारा में तड़पता ही रहता है। आत्मा की अनंत कष्टावलियों के संबंध में तत्वज्ञान का यह त्रैकालिक निदान है, और तत्वज्ञान उनके सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिहार का पथ भी निर्दिष्ट करता है। वह कहता है कि सुख और शांति आत्मा का स्वरूप ही है, अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर संग्रह की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण अपराध है। इस विश्वास के कारण आत्मवृत्ति एक अनाचारी पुरुष की तरह
सदैव पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील रहती है। अतः अपनी चैतन्य वाटिका की महिमा में अविराम चिंतन द्वारा भ्रमणशील चैतन्य वृत्तियों को आत्मस्थ करके स्वरूप सौंदर्य का संवेदन करना ही मुक्ति का एक मार्ग है, दूसरा नहीं। तत्व दृष्टा को देह और उसके परिकर अगणित इंद्रिय विषयों का सानिध्य भी रहता है। इनका कभी मनोवांछित परिणमन भी होता है और कभी परम प्रतिकूल भी, किंतु परत्व बोध के बल से वह इन सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रह लेता है। इसी प्रकार अज्ञान के निमित्त से आत्मा के साथ संश्लिष्ट कर्म बंधनों के प्रति भी तत्वज्ञ अत्यंत मध्यस्थ हो जाता है, क्योंकि जैसे एक समझदार अपराधी इस तथ्य को असंदिग्ध भाव से जानता है कि उसके बंधन उसके पूर्वकृत अपराधों के प्रतिफल मात्र हैं, किंतु अपराधों के कारण नहीं है, उसी प्रकार तत्वज्ञान की यह अत्यंत निशंक और स्पष्ट मान्यता है कि कर्म बंधनों का उसकी अशुद्धतम संसार दशा और शुद्धतम मोक्ष दशा के प्रति किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। तत्वज्ञान तत्वदर्शी की प्रयोगशाला है। वह आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का एक्सरे की रश्मियों की तरह तब तक भेदन करता जाता है जब तक उसे आनंद निधान चैतन्य के दर्शन नहीं होते। काया और कर्म की माया में तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं हैं, क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता, किंतु राग द्वेष एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता, क्योंकि पर के प्रति आकर्षणशील होने से वे अत्यंत विकृत हैं, अतः उपादेय नहीं है। जैसे मलेरिया के मच्छर के संयोग में उत्पन्न मलेरिया ज्वर शरीर की पर्याय होने पर भी शरीर का स्वरूप नहीं है, इसी प्रकार कर्म की उदय दशा में उत्पन्न पुण्य पाप की अवस्था आत्मा की पर्याय होने पर भी आत्मा का स्वरूप सौंदर्य नहीं है। और जैसे जिसकी शक्ति प्रबल है उसे मलेरिया मच्छर का योग ज्वर का निमित्त नहीं होता, इसी प्रकार जिसे अपनी चैतन्य सत्ता का सुदृढ़ अवलंबन है उसे कर्मोदय विकार का निमित्त नहीं होता, वरन मात्र गेय कोटि में रहता है। यह तत्व ज्ञान का सूक्ष्म अनुसंधान है। उसका मंतव्य है कि भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव एक साथ तो रह सकते हैं पर कभी भी एक नहीं हो जाते। दही के दीर्घ समुदाय में दही के कण कण के साथ मक्खन दही से भिन्न विद्यमान रहता है, और वृंदावन की ग्वालिन भी उसे दही से अलग निकालने से पूर्व ही उसकी पूरी की पूरी प्रतीति में प्रवर्तमान है, किंतु जैसे एक बालक को दही और मक्खन के भेद का परिज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार अज्ञानी को भी आत्मा और पुण्य पाप के अंतर का बोध न होने से कभी पाप और कभी पुण्य की उपासना करता रहता है, किंतु तत्ववेदी पाप पुण्य के विकार पुंज में भी विकार से अत्यंत भिन्न चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है। तत्वज्ञान की शोध यहीं विराम नहीं ले लेती, किंतु पुण्य पाप के आवरणों से आगे वह चैतन्य की खोज में और गहरी उतरती है, और उसे चैतन्य जगत में ही क्षणिकाओं का एक अत्यंत सुंदर कक्ष दिखाई देता है, जो अत्यंत सुंदर होने पर भी उसे इसलिए रमणीय नहीं लगता कि सागर की तरंग के सदृश
वह सदा उपलब्ध रह सकने योग्य नहीं है, और सागर तो सदा उपलब्ध है। अतः क्षणिका का ममत्व भी एक मधुर उन्माद है, जिसमें से निरंतर विकलता का ही श्राव होता है। इसके अनंतर चैतन्य का कपाट खुलता है और तत्व ज्ञान को उसके असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है, जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका खिली हो। किंतु तत्वज्ञान यहां काफी सूक्ष्म एवं गंभीर हो जाता है, क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का यह अंतिम व्यवधान है। वह देखता है कि अनंत के दर्शन में भी अनुभूति की तरलता समाप्त नहीं होती, वरन अनंत शक्ति की इस चक्रियता में भी सुहाती सुहाती सी मंद मंद विकलता ही निष्पन्न होती है, जिसका भेद सजग प्रज्ञ को ही प्रतिभासित होता है। अतः इस शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित एवं अतृप्त तत्वज्ञान अपने पुरुषार्थ के अंतिम चरण में तूफानी त्वरा से परिणमित होता है, और उसे अत्यंत निस्तरंग अतल चैतन्य का वह दिव्य लोक दिखाई देता है, जहां अनंत ही शक्तियां एकत्व में एकीभूत हैं। यहां सर्व तरलताओं को विसर्जित करके अनुभूति ऐसी समाहित हो जाती है कि द्वैत ही दिखाई नहीं देता। शुद्ध चैतन्य की यह आनंद वेदना ही आरहत दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है। तत्वज्ञान जीवन एवं जगत की एक सर्वांग मीमांसा है। जीवन की एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान उसके पास न हो, यद्यपि अक्षय चैतन्य ही उसका एकमात्र अहम है और वह निरंतर वहीं स्थापित रहता है। फिर भी क्षय के प्रति गतिमान अपने पर्याय दोषों का वह सजग प्रहरी है। चारित्रिक दौर्बल्य से प्रवर्तमान कोई दोष उसे उपेक्षित नहीं है, साथ ही वह निरंतर दोषों से खिन्न एवं विवहल भी नहीं है, तो सतत उनका चिंतनशील भी नहीं है, क्योंकि सर्व दोष निशेष की अद्भुत कला उसे विदित है। वह जानता है कि सतत दोष का विचार व निरंतर दोषों का भय दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म एकमात्र स्वरूप स्खलन से ही होता है। अतः स्वरूप निष्ठा ही निर्दोष निर्वाण का एकमात्र साधन है। पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ तत्वज्ञान को जीवन का एक वह पहलू भी दिखाई देता है, जहां निरंतर योग वियोग आवर्तित होते रहते हैं। पापोदय की विभीषिकाएं हों अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं, तत्वज्ञान इस रहस्य को बारीकी से जानता है कि ये सब उसकी सत्ता का स्पर्श ही नहीं करते। अतः पापोदय की भीषण हैरानी अथवा पुण्योदय का मधुर उन्माद उसकी प्रज्ञा को कभी आच्छादित करते ही नहीं है। जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का क्रीतदास होकर पदाघातों से कंतुक की तरह दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता, तब चैतन्य जीवी तत्वदृष्टा ऐसी हर परिस्थिति में संतुलित एवं समवस्त रहता है। तत्वज्ञान कर्वोन्मत भोगमय जीवन के मृणमय स्वरूप को खुली चुनौती है। चैतन्य के अस्तित्व में संदेह कर जो मिट्टी के भोगों को ही जीवन का स्वरूप मानते हैं, देह एवं भोग की वियोग चेतना से भट्टी में पड़े कीट की तरह जो निरंतर अतिशय वेदना से तड़पते हैं, उन्हें तत्वज्ञान का संदेश है कि समस्त भोग संग्रह एवं संग्राहक भाव ठीक ऐसी ही मिथ्या कल्पनाएं हैं
जैसे एक बालक मधुर विष पीता हुआ हंस रहा हो। समग्र संयोग वियोग की संततियों के संबंध में तत्वज्ञान का सुनिश्चित अभिमत है कि वे कभी भी आत्मा के पुरुषार्थ से निष्पन्न नहीं हैं। वे सभी दैव साध्य हैं, जिन्हें दृष्टि शून्य अज्ञानी अपना संपादन मानता है। अतएव उसका संपूर्ण जीवन संयोगों की सुरक्षा में नष्ट हो जाता है। जब तत्वज्ञान इनकी सीमा में अपनी व्यवस्था का भयंकर पाप नहीं करता, अतएव हल्का फुल्का समरसी जीवन जीता है। तत्वज्ञान कषाय के शिखरों पर उल्का की तरह गिरता है। उसका उदय होते ही विभिन्न पापाचारों के वे रूप जो युग के साथ बदलते रहते हैं, जिनसे व्यक्ति के चरम पतन की समष्टि की व्यापक चेतना भी अभिशप्त एवं आहत होती है, प्रयत्नों के बिना ही अनायास समाप्त होते हैं। हत्याएं, लूटपाट, काला बाजार एवं रिश्वत जैसे राष्ट्रीय पाप एवं दहेज जैसा सामाजिक कुष्ठ जो चिकित्सा के साथ बढ़ता ही जाता है, तत्वज्ञान के उदय से पूर्व ही निःशेष हो जाते हैं, क्योंकि विशुद्ध मानस भूमि में ही तत्वज्ञान का जन्म होता है। अतः पाप के असंख्य रूपों का प्रहारक तत्वज्ञान ही लोक शांति का सुनिश्चित विधाता है। इस प्रकार सचमुच तत्वज्ञान चरम पतन से चरम उत्कर्ष तक ले जाने वाली जीवन की खुली पुस्तक है।